Hey guys, welcome back to my channel. Hey guys, I hope you all are safe and doing good. तो आज बहुत दिनों के बाद हम सब खान सर की वीडियो देखने वाले हैं, जो कि है सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ ईरान ऑन पाकिस्तान। आप सबको याद ही होगा कि पाकिस्तान में सबसे पहले किसने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, याद है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे शायद 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान में और थर्ड वाला है ईरान। तो मैं ये वीडियो देखना चाहूंगी। हम सबको पता है कि खान सर की वीडियोस बहुत ज्यादा मजेदार होती है, तो हम सीधे वीडियो की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि इस बार ईरान ने पाकिस्तान को किस तरह से जलाया है, डुबाया है, हराया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, देखते हैं। सो सीधे हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 जय हिंद। हम लोग के जो पड़ोसी हैं चाचा जी इमरान खान वाले, उनके यहाँ एक कांड हो गया। असल में इमरान खान का जो पाकिस्तान है उसका हालत ढोल की तरह हो गया है, किधर से भी आके कोई बजा दे रहा है। उनके ऊपर तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। इंडिया ने शुभारंभ किया था और उसके बाद अफगानिस्तान ढोल बजा दिया, अब तो ईरान भी उनको ठोक कर चला गया है। सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया उनके एरिया में, मार और के दूर तार के अपने 2 सैनिकों को वहाँ से छुड़ा कर वो लेकर चला गया है। देखिए, पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान की हालत अभी के वक्त में इकोनॉमी भी गिर रही है, कोरोना ने चौपट कर दिया, आंतरिक कलह है वहाँ पर, आतंकवाद वाले हैं सब, बलूचिस्तान का इशू है। पाकिस्तान ऐसी क्राइसिस से जूझ रहा है कि इमरान खान की हालत वैसी हो गई है जिसके साथ ये घूम रहे हैं फिलहाल। ये पाकिस्तान की जो नींव ही रखी गई थी वो एक गलत नियति के हिसाब से रखी गई थी। शुरुआत में वो लोकतांत्रिक देश था, बाकी आगे जाके उसने एक इस्लामिक राष्ट्र का कल्पना कर लिया और वहाँ पर अन्य धर्मों के ऊपर ज्यादती करना चालू कर दिया। वहाँ पर हिंदुओं के साथ कोई उल्टा सीधा काम कर दो, सिख के साथ, जैन के साथ, बौद्ध के साथ, ये लोग सब लोग वहाँ से भागने लगे और पाकिस्तान से ये लोग का पलायन चालू हो गया। अलग अलग देश में ये लोग शिफ्ट होते गए क्योंकि जान बचाना यहाँ पे जरूरी था। इसके बाद जब इन लोगों ने देखा कि भैया हम लोग इस्लाम का डर दिखा के, इस्लाम के हिसाब से बाहर वालों को, बाहरी धर्म वालों को हम लोगों ने बहुत सताया, वो लोग भाग गए। जब वो लोग भाग गए, अब इनको कुछ नहीं मिला, तो अब ये पाकिस्तान अपने में ही कहने लगे कि भैया अब हम लोग इस्लाम, मतलब जो बाकी के लोग थे उनको तो भगा दिया, अब इस्लाम का शुद्धिकरण करने के लिए इस्लाम में काटाकुटी चालू कर दिया सभी सब। अब काटने का आदत लग जाएगा तो खौरा जाएगा सब, काटाकुटी चालू कर देता। अब इसमें शिया, सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, बरेली, दुनिया भर का तामझाम हो गया भाई। तो कभी ये लोग अहमदिया को मारने लगते। हद तब हो गई कि अहमदिया को इजराइल जैसा देश वैल्यू देता है, जबकि पाकिस्तान जो खुद को इस्लामिक देश कहता है वो अहमदिया को वैल्यू नहीं देता है, कहता है कि अहमदिया लोग मुसलमान ही नहीं हो पाते हैं। वहाँ पर जो हज़ारा मुस्लिम हैं उन लोग को वो मार देता है, नरसंहार करके काट देता है, मतलब ये बताइए छोटे छोटे बच्चों को मार देता है, बलूचिस्तान के लोगों को मार देता है, नरसंहार खुलेआम बलूचिस्तान में मारधार होते रहता है, यहाँ पर ये लोग मार देते हैं। तो जो इनके देश के माइनॉरिटी हैं ये उनको ये लोग जानवरों की तरह मार देते हैं। तो माइनॉरिटी को भाई आपको ख्याल रखना चाहिए। हमारे देश में माइनॉरिटी के लिए एक मंत्रालय है, हमारे देश में अनुच्छेद 29 जो है स्पेशल एक आर्टिकल है माइनॉरिटी के एजुकेशन से रिलेटेड, ये सब चीज़ें उनका आरक्षण वगैरह हर चीज़ दिया जाता है और यहाँ पे खुलेआम मार और के रद्द कर दिया जाता है इन लोग की आवाज़ को। उसके बाद भी इन लोग का मन नहीं भरता है, मतलब अपने देश में माइनॉरिटी को ये जानवर की तरह रखेंगे तो दूसरे देश में तो इसका असर पड़ेगा। अब बलूचिस्तान का ये जो पाकिस्तान का ये राज्य है बलूचिस्तान, ये तो अलग होने की मांग कर रहा है, इससे इसकी जो सीमा लगती है ये ईरान से इसका ये बॉर्डर लगता है। अब ये लोग वहाँ पर भी रहते हैं लेकिन ईरान में शिया की अधिकता है, वहाँ पर ये लोग क्या हो जाते हैं, अल्पसंख्यक हो जाते हैं। सुन्नी जो लोग हैं यहाँ पर वो लोग अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हो जाते हैं वहाँ पर। ये जो सुन्नी लोग थे लोग यहाँ पर ये बलोच वगैरह पर अत्याचार वगैरह करने के बाद अब इनका क्या कहना है कि ईरान में इन लोग की संख्या कम पड़ जाती है। अब इनकी संख्या कम पड़ जाती है तो यहाँ पर अपनी माइनॉरिटी को मार दिया, उसके बाद ये इसके देश में एंट्री मार दिए सब एक नया आतंकवादी संगठन बना के जिसका नाम रखा है जैसुल अल्द। ये जो जैसुल अल्द जो है, जैस का मतलब होता है सेना, फौज, जैसे जैसे मोहम्मद, ऐसे करके बहुत सारा आतंकवादी संगठन। ये क्या कह रहा है कि ईरान में जाके हमला कर देता है कि तुम यहाँ पर सुन्नी पर अत्याचार ना करो, जबकि आप अगर देखेंगे तो ईरान के ऊपर कभी भी इस बात का आरोप नहीं लगा है कि वहाँ सिया सुन्नी का बवाल होता है। हालांकि ईरान में जब ईरानी रिवॉल्यूशन हुआ था, वहां अमानतुल्लाह खुमैनी जब आए थे तो एक अलग मैटर है, जब वहां पर जो भी रिवॉल्यूशन हुआ था, लेकिन वहां पर 80% से ज्यादा आबादी वहां पर सियाओं की है, लेकिन वहां पर कभी भी आप नहीं देखेंगे कि सियाओं ने क्या किया, सुन्नी के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लास्ट कर दिया, यह सब टाइप का नरसंहार नहीं होता है। लेकिन
पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नरसंहार होता है और इन गधों ने क्या किया है, कहा है कि जो यहाँ पर माइनॉरिटी रह रहे हैं ना, इनको तुम मत मारो। भाई मारता तो कोई नहीं है भैया, ये लोग अपने इन लोग को कहते हैं कि इनको बचाने के लिए हम यहाँ हमला करेंगे। मतलब तुम अपने देश में माइनॉरिटी को जिंदा मार दो, कुछ भी कर दो, तुमको कोई ह्यूमन राइट एवोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन अगर तुम दूसरे देश के में जाके वहाँ पर भी बम फोड़ के चले आते हैं सब। अब इसमें ईरान इसका ताज़ा शिकार हुआ है। ईरान में ये लोग कई बार हमला कर चुके थे। ईरान में इन्होंने 2017 में यहाँ पर रिवोल्यूशनरी गार्ड के ऊपर हमला किया था। एक्चुअली ईरान में जब रिवोल्यूशन हुआ था तो सद्दाम हुसैन काफ़ी ज़्यादा इराक से ईरान के ऊपर प्रेशर बनाए थे, इसलिए वहाँ पर एक रिवोल्यूशनरी गार्ड नाम की एक फौज बनाई गई। ये क्या थी कि फौज में से ही जो कुछ चुनिंदा फौजी थे उन्हें निकाल कर बनाया गया था रिवोल्यूशनरी गार्ड। इसी के कमांडर थे कासिम सुलेमानी, जिसे पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर ड्रोन हमले में इराक में मार के गिरा दिया गया। 2018 में भी हमला हुआ, दो दो बार 2018 में जो जैसुल अदल जो संस्था है, आतंकवादी संगठन है, उसने दो बार 2018 में हमला किया। एक बार चाबहार पोर्ट पर हमला किया था, तो हालांकि चाबहार पोर्ट पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर 2018 में ही एक बार हमला करके 12 रिवोल्यूशनरी गार्ड को वो लोग बंधक बना के पाकिस्तान में लेकर चले आए थे, जिसमें एक रिवोल्यूशनरी गार्ड की मृत्यु हो गई थी, बाकी 9 को लोग वापस नेगोशिएट करके छोड़ा लिए थे। वहाँ पर 2 रिवोल्यूशनरी गार्ड ईरान के वहाँ पे बच गए थे। तो इस बार क्या हुआ है, ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक करके हमला कर दिया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में घुस के वहाँ के आतंकवादियों को थूर थार के उन लोग को 72 हूर के पास पहुँचा दिया गया है, और वापस उन दो दो जो रिवोल्यूशनरी गार्ड थे उन्हें ईरान ने वापस ला दिया है। अब पाकिस्तान कह रहा है, भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि यही मन बढ़ा दिया है, अब कोई भी हमको बजा के चला जा रहा है, मंदिर का घंटा बना दिया हम लोग को। अब भाई भाई तुम ऐसा कांडे करेगा तो क्या होगा। ईरान हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि चाबहार पोर्ट उसने दे रहा है। आपको याद होना चाहिए कि ईरान में यहाँ एक मरुस्थल है, नक्शा के क्लास में आपको पढ़ाए हैं, दस्त-ए-लूट का मरुस्थल, ये दस्त-ए-लूट मरुस्थल यहाँ पर है, और ये बलूचिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान में अशांत रहता है। तो आप पाकिस्तान की मंशा देख सकते हैं, यह किस तरह से यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए बहुत दुर्दशा हो गया, ये दूसरे को बहुत ज़्यादा सताने लगते हैं। अब जैसे अफगानिस्तान को ही देख लीजिए, अफगानिस्तान अभी अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान है, वहाँ के तालिबान वालों ने बामियान में महात्मा बुद्ध की मूर्ति पर बम लगा के उड़ा दिया, जबकि महात्मा बुद्ध की पहाड़ काट के वो सबसे प्राचीन मूर्ति थी वहाँ पर। अगर उस मूर्ति पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति को सजो के रखता तो टूरिस्ट से कितना ज़्यादा वो कमा लिया रहता। हम लोग के बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो राजगीर में, नालंदा में कितने बौद्ध भिक्षु आते हैं वहाँ पर, गया में, देखने के लिए महात्मा बुद्ध के स्थलों को। पाकिस्तान भी माइनॉरिटी का ख्याल रखता, वहाँ पे जो सिख समुदाय है, यहाँ जो हिंदू समुदाय है वहाँ के, उन लोग के धार्मिक धरोहरों को सजो के रखता, और उस पर अगर वो 100-100 रुपये भी टिकट लगाता ना तो जैसे वहाँ पे गुरुद्वारा पे भी सुरक्षित नहीं रह गया, वहाँ भी उल्टा सीधा लोग बयान दे देते हैं। जो मंदिर वगैरह है उसको तो कम से कम सुरक्षित रख देते, और जो भारतीय वहाँ पे दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जाते उनकी सुरक्षा की गारंटी देते। तो हिंदुस्तान से इतने लोग चले जाते उन मंदिरों में देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, और अगर वो 10-10 रुपए भी दे के चले जाते ना तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बच सकती थी। उन्हें अपने जो अभी चाइना से कर्जा लेने के लिए वो चाइना के रखेल बन के बैठे हुए हैं कि कर्जा दे दीजिए, कर्जा दे दीजिए, सऊदी अरब वाला कर्जा दे देता है, तो कर्जा लेके चलते भाई साहब, टूरिस्ट में बहुत बड़ा बिजनेस होता है ये टूरिस्ट, तो सबको मिला के रखेंगे आपका देश शांत रहेगा, तब ना लोग आएंगे आपके यहाँ। ऐसा कांड करते रहेंगे, अपने यहाँ जो मार रहा है उसको मारबे करते हैं, कश्मीर में घुस जाइएगा, कभी इधर हमला करेंगे ईरान में, कुचाओ ससुर तुम्हें, तुम ये फाटल ढोल है पाकिस्तान पूरी तरह। आने वाले वक्त में पाकिस्तान के ईरान से रिश्ते कुछ ज़्यादा बिगड़ेंगे, या तो फिर उसके सऊदी अरब से बिगड़ेंगे, किसी से भी बिगड़े हमारे लिए फ़ायदा है। रीज़न क्या है, हमारी ईरान से भी बहुत अच्छी दोस्ती है और सऊदी अरब से भी बहुत अच्छी दोस्ती है। सऊदी अरब में हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ईरान से हमें पेट्रोल मिल जाता है, तो ये फ़ायदा। लेकिन जो जब से जो बाइडन आए हैं, जो बाइडन जो है ईरान को तवज्जो देते हैं, ईरान को वैल्यू देते हैं, और वो सऊदी अरब को पसंद नहीं करते हैं, यहाँ की राजशाही को पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब अब सऊदी अरब के ऊपर दबाव बढ़ेगा और ईरान से प्रेशर हट जाएंगे, जिस वजह से मजबूरी में पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान भी एक सुन्नी कंट्री है, सऊदी अरब भी सुन्नी कंट्री है, तो ये दोनों मिलकर ईरान के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। ये भारत के लिए बेहतर होगा क्योंकि इसी पाकिस्तान के प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के
लिए ईरान दब कर अपने प्रेशराइज महसूस करेगा और भारत को चाबहार के थ्रू रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी को सुगमता से उपलब्ध करा देगा। अब इन लोग के सामने गजब समस्या आ गई है, ये ट्रंप के शासन में ये लोग बहुत उड़ रहे थे। ट्रंप का शासन जो था ईरान के लिए एक ब्लैक एरा के तौर पर था। ट्रंप जैसे चले गए अब देखते होंगे ईरान अब खुल के आ रहा है, क्योंकि ट्रंप के शासनकाल में ईरान को बहुत दबाया गया था, उनके वैज्ञानिकों को मार दिया गया, सेना प्रमुख को मार दिया गया कासिम सुलेमानी। तो ईरान के ऊपर एक प्रेशर था, उसके सेना का मनोबल कम हो रहा था। अब इस सेना का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, तो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए थूर दिया गया पाकिस्तान के बलूचिस्तान में घुस के ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा, और वहां के आतंकवादियों को कूच काच के और जो उनके सैनिक जिन्हें बंधक बनाया गया था वापस लाया गया, जिससे कि ईरान का थोड़ा मनोबल भी बूस्ट हो गया और ईरान ने दिखा दिया है कि अब जो बाइडेन आ गए हैं अब वो धीरे धीरे अपना विस्तार करेगा। अब पाकिस्तान के लिए गड़बड़ है, सऊदी अरब के लिए भी गड़बड़ है। इस ससुरे लड़ते रहो लोग, भाई साहब हमको यहाँ से तेल चाहिए, यहाँ से रोजगार चाहिए, तेल खत्म तुम लोग का खेल खत्म। आई होप आप इसे समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग म्यांमार के तख्ता पलट के बारे में चर्चा करेंगे और नेहरू जी ने जो उसको म्यांमार को कोको द्वीप दे दिया था उस पर म्यांमार ने उसे चाइना को गिफ्ट दे दिया, वहाँ चाइना की नौसेना आ गई, भारत ने पहले क्या गलती कर दिया था, इस सब की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। सो गाइस, ये रही सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ ईरान ऑन पाकिस्तान ओडिया में। जैसे कि मैं ओडिया हूँ तो उसमें एक क्या बोलते हैं कि धोगो ऐसे बोलते हैं कि गौरव जिला में खो बरस से नहीं भोकिला कुकुरो कामड़े नहीं, हिंदी में है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो भोकते हैं वो काटते नहीं। तो पाकिस्तान की हालत वही गरजने वाली मेघ की तरह है जो बस गरजते हैं बरसते नहीं या फिर बरस ही नहीं पाएंगे। तो ये पता नहीं क्यों सही में सर ने सच ही बताया कि फटेले ढोल की तरह वो बस बजते रहते हैं, जिसकी आवाज बस ज्यादा है लेकिन कुछ काम का नहीं है। ऐसे ही अगर पाकिस्तान अपने इर्द गिर्द सबके साथ दुश्मनी बनाएगा ना तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हमारे नक्शे में वर्ल्ड के नक्शे में और ज्यादा देर तक टिक पाएगा। तो मेरी बस एक ही सलाह है कि जिस तरह से छोटा भाग उनको दिया गया है अच्छे से रहे, शांत रहे, और मतलब सोचो कि जो अपने ही मुल्क के अपने ही कंट्री के लोगों को जो मारते हैं फिर वो देश कैसे मतलब कैसे डेवलप होगा, कोई रहना ही नहीं चाहेगा वहां पे, इतने अनएजुकेटेड लोग हैं वहां पे। सिर्फ छोड़ो, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि आप सबको खैर आप सबको बहुत ज्यादा पता है मुझसे भी, बस मैं ये सोचती हूँ इसलिए मैंने आप सबको बता दिया कि पाकिस्तान की हालत अगर ऐसे ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब वर्ल्ड के मैप से वो लुप्त हो जाएगा। और एक चीज बीच में बोला गया कि पाकिस्तान की जो टूरिस्ट में वो लोग ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन अगर मुझे कभी फ्री में भी चांस मिला कि आप पाकिस्तान जाके घूम के आओ, मैं तो नहीं जाने वाली क्योंकि मुझे नहीं पता वहां पे किस वक्त क्या हो जाए, मतलब नहीं मैं कभी नहीं जाने वाली। अगर चांस मिले ऐसा बोला जाए कि आपको फ्री में पूरा पाकिस्तान घुमाया जाएगा, मैं बोलूँगी भाई तू रहने दे, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ, पाकिस्तान से ज्यादा सुंदर मेरा घर है, वहीं पे मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, मैं यहीं पे रहना पसंद करूंगी। सो मजेदार था, बहुत अच्छा लगा। सर्जिकल स्ट्राइक तो पाकिस्तान ने पहले हमारे इंडियन ने मतलब जो दिखाया है उसके बाद से सबकी हिम्मत हो रही है, सब कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बस पाकिस्तान अच्छे से रहे, हमें भी कोई दुश्मनी नहीं है, सब अच्छे से रहो। तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, मैंने काफी ज्यादा अपनी जो मैं क्या सोचती हूँ वो मैंने बता दिया वीडियो के एंड में। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ ईरान ऑन पाकिस्तान के ऊपर खान सर की जो वीडियो है उसमें रिएक्ट करने के लिए, मुझे ये धमकी भी मिला था कि अगर मैं रिएक्ट नहीं करूंगी तो वो मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो मैं बस उस डर की वजह से नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा से आप सबके जो सजेशन है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ, और तो किसी ने अगर मुझे ऐसे बोला है तो मैं जरूर उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करना चाहूंगी। स्पेशली ये वाली वीडियो मैं उनके लिए अपलोड मैंने किया है, तो आई होप उनको भी अच्छा लगा होगा, आप सबको भी अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आप सबके लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।